बनेगी सरकार, किसको मिलेगी कितनी सीटें, ताजा सर्वे में ये खुलासा किया गया है। सर्वे के मुताबिक एमबीए को 88 से 118 सीटें मिल सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 145 का आंकड़ा प्राप्त करना जरूरी है। महाराष्ट्र की सियासत में मचा सियासी बवाल अभी लगातार जारी है। शिवसेना और कांग्रेस पार्टी में फूट के बाद कांग्रेस को लेकर इस तरह की बातें हो रही है। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस अलाकमान के साथ प्रदेश के नेताओं की बैठक हुई। इसी बीच महाविकास अघाड़ी को परेशानी करने वाला एक सर्वे सामने आ गया है। महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर किए गए सर्वे में एमबीए सरकार बनाने से काफी दूर नजर आ रही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर खिंचातानी के बाद दोनों अलग हो गए। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। पिछले साल शिवसेना की एकनाथ शिंदे गुट की 40 बागी विधायकों के बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद एमवी की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे सीएम बन गए। अब जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी फिर से सरकार बना सकते हैं। सर्वे में गठबंधन 150 से ज्यादा सीटों पर जीतता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि सर्वे के मुताबिक किसकी सरकार बनती है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी और किसको कितनी सीटें मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।